अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हम अपने नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज टाइम कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं नाश्ता करने, और नाश्ते के लिए जब हमने देखा कि यार कहाँ जाना चाहिए, तो हमें एक G6 मरकज़ जिसे कहते हैं, वहाँ पर एक फूड कोर्ट बना हुआ है, तो वहाँ के सुना है कि फूड और पाए वगैरह जो देसी नाश्ता है, यानी कि जो चने और पाया वगैरह बड़ा बेहतरीन किस्म का वहाँ पर बनता है, तो हम जा रहे हैं G6 की तरफ। यहाँ पर जाके देखते हैं किस किस्म का वो नाश्ता है, खाएंगे भी और उसका टेस्ट कैसा होगा ये भी आपको बताएंगे। तो बिल्कुल सामने देखे चकलाला गैरिसन की इमारत है यार, ये फ्लैग देखे कितना खूबसूरत लग रहा है, और खूबसूरत लगने की वजह है कि आपकी जो फिजा है वो बड़ी खूबसूरत है। आप देखे आसमान देखे, बादल देखे, आओ यार व्यू चेक करें यार, यार। और ये हम पिंडी के दूध से जो है ना वो इस्लामाबाद की तरफ दाखिल हो गए हैं। देखिए आप, आई लव इस्लामाबाद। जगह जगह पे इतने इंटरचेंजेस दिए हुए हैं कि आप कहीं पे भी अप्रोच कर सकते हैं। इन केस अगर आप कोई गलत टर्न भी ले लेते हैं और गलत रोड पे आ जाते हैं, तो अल्टरनेट आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ये नहीं कि जनाब एक गली बंद है तो जनाब आप वापस घूम कर जाए और या फिर यू टर्न लेकर आए, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये दो बड़े रोड है, एक कश्मीर हाईवे और एक इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। अगर आपने कहीं भी जाना है तो ये दो रोड जो है ना, इनसे आप अप्रोच कर सकते हैं। फैथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, कायद आजम के फरमान यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनको फॉलो भी करना चाहिए कि हमारी कौम की जो कामयाबी है बैन अक़वाल पर जो है ना वो अमल करते हो सकते। बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो वो आपको फैसल मस्जिद नज़र आ रही है, और पीछे बारगला के खूबसूरत पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं। यार इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद दुनिया का नहीं, मेरे ख्याल में सेकंड फर्स्ट, ये मेरे ख्याल पहले तो फर्स्ट पे था और मेरे ख्याल में सेकंड पे आ गए। सेकंड खूबसूरत तरीन कैपिटल है, और ये आप देखें कि पाक चाइना के जो फ्लैग्स है वो लगे हुए, असल में मेरे ख्याल में वो चाइनीज जो है वाइस प्राइम मिनिस्टर जो है उनके, वो पाकिस्तान के विजिट पे आए हुए, जिसकी वजह से आज इस्लामाबाद में हॉलीडे है। यस, आज और कल दो दिन का हॉलीडे अनाउंस किया हुआ है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, और फिर प्रोटोकॉल्स वगैरह भी होते हैं आपको पता है। तो हमारी जो दोस्ती है चाइना के साथ वो तो बड़ी मिसाली है। तो ये है मेलोडी पार्क G6 मरकज, और यहाँ पर फूड्स काफ़ी जो है ना शॉप्स वगैरह है, तो देखें नान वगैरह ट्रेडिशनल फूड हर किस्म का खाना जो है वो यहाँ पर मिलता ही है आप देखें। और सबसे बड़ी बात इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि इन्होंने
तो चारों तरफ से अप्रोच दी गई, यहाँ से भी गेट थे, एक गेट वहाँ है, एक दाएं पे गेट है, चारों तरफ इसके गेट दिए हुए, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है खाना वगैरह, नाश्ता यहाँ का स्पेशली पकौड़े, समोसे, जूसेस, ऑल ओवर जितनी टाइप की जो भी आप लोग यहाँ पर आते हैं स्पेशली दिन में सुबह के टाइम पे और नाश्ता वगैरह इन्जॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे कहाँ सर भाई? चले ठीक है। अच्छा जी, हम यहाँ पर आ चुके हैं मेलोडी पार्क G6 इस्लामाबाद, फूड स्ट्रीट है ये बहुत बड़ी, और इसको सबसे खूबसूरती है कि चारों तरफ से अप्रोच दिया हुआ है। और आप जब लाहौर की बात करते हैं, जिले की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ पिंडी की बात करें तो मुन्ना भाई की बात करें, यानी असगर भाई की बात करें, असगर भाई, मुन्ना भाई, इनका मैं तो फैन हूँ। और मैं आज फिर जब कराची से ट्रेवल करके जब इस्लामाबाद आया हूँ, और अगर मैं मुन्ना भाई के छोले और पाया ना खाऊं तो आई थिंक मेरी जर्नी जो है इनकम्प्लीट है। तो ये कुछ लिमिटेड फूड है कॉलपुली इस्लामाबाद के, जिनको ट्राई करना हम पे जो है ना वाजिब है। तो मुन्ना भाई क्या खिला रहे हैं आज? आपको खूबसूरत से नहीं है और उसके बाद पाए पाए हैं ना, और छोटे थे बड़े थे? छोटे पाए, बड़े यार, बड़े चाहिए, बड़े पाए भोंग वाले और छोटे पाए अपना देखो, और छोले थे है ना, छोले हाँ ना यार, सरकार मरवा हाँ, इन्होंने क्लोज कर लो, किसी ने देना नहीं है, फैमिली पूरी पीछे आ रही है, टेबल लगाओ, सात लोग में, सात लोग ठीक है, ओके करके। तो बोले भाई जो है ना हमारे, वो हमारे लिए छोले और पाया छोटा, पाया बड़ा, बोंग होगा, बोंग पाए, बोंग के पाए, बोंग पाए खिलाएंगे और खूबसूरत से हलीम और निहारी खिलाएंगे। क्या बात है जी, तो आज का नाश्ता बड़ा हमारा VIP होने लगा, नाश्ते को एंजॉय करते हैं, देखते हैं किस किस्म का टेस्ट है, टेस्ट तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आज हम लाइव आपको भी बताएं कि टेस्ट कैसा है। तो चले जी बैठते हैं, थैंक यू सर। ये केक कटाई है देखे आप, और ये देख, ये नान कटाई देखे, और ये अगर हम वहाँ पर बनाते बेकरीज वाले तो ओवन में बनाते ऐसे ही, और यहाँ पर हैंडमेड है, और ये सारी की सारी तो तंदूर में बनती है। लुक देखो यार, अमेजिंग, जबरदस्त, क्या बात, क्या बात। हाँ ये देखें कितने जबरदस्त, और लुक कितनी प्यारी है, इसके आप चेक करें जबरदस्त। अच्छा ये ऊपर इसकी जर्दी लग रही है, वाह ये देखें, ये अंडे की जर्दी इस पर लगा रहे, छोटी छोटी कुकीज बना के, और ये तवा टाइप की चीज है, और फिर इसको ये उठा के लाइक जैसे कि हम ओवन में रखते हैं, तो ये तंदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाह जबरदस्त। तो ये इसको क्या कहते हैं? केक कटाई, केक कटाई, चले जी केक कटाई हम खा रहे हैं। ये किस चीज से बनता है? ये अंडे, चीनी, घी, मैदा, ऐसे करके ना सारी चीजें मिक्स, जबरदस्त जी, अमेजिंग किस्म का टेस्ट है इसका। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, ओके जी। तो नान कटाई और हमने ये केक कटाई खाई है और नाश्ता किया, तो और हम इस वक्त मेलोडी पार्क में मौजूद है इस्लामाबाद जी, मेलोडी फूड पार्क G6 में, और नाश्ता हमने किया, बड़ा मज़ा आया। और यकीन करें कि आज जो हमारा देसी नाश्ता, इसमें पाए, छोले और कुलचा, और वाह यार, और फिर उसके बाद ये नान खटाइयाँ और चाय और लस्सी, क्या बात है जी, सानू पंजाब याद आ गया। तो बस ये नाश्ता कर लिया, और नाश्ता करके वापस अपना घर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अगले ब्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।